काली और गोरी बहू का बंटवारा। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी, कहिए। ये लो मिठाई खा लो। अरे वाह माँ जी, आज ही मिठाई किस खुशी में? क्या देवर जी के लिए कोई लड़की पसंद आ गई क्या? अरे पगली, ये तो मिठाई की दुकान से गुजर रही थी तो सोचे तुम्हारे लिए लेती चलो। मेरे बेटे के लिए भी जैसे चांद से सुंदर तू है, वैसे ही तेरी देवरानी भी इस घर में आ जाए। बस फिर उस दिन तो मैं पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटूंगी। मनोरमा बातें कर ही रही थी कि तभी डोरबेल बज उठती है। अरे बहू, जरा देख तो इस वक्त कौन आया है। महक ने जैसे ही दरवाजा खोला तो राहुल एक मद्रासी काली सी लड़की को दुल्हन के जोड़े में लिए साथ खड़ा था। राहुल को ऐसे देखकर महक ने अपनी सास पर तंज कसते हुए बोली, अरे वाह माँ जी, लो आ गई आपके लाडले बेटे की चांद जैसी सुंदर बहू। अब बांट लो पूरे गांव में देसी घी के लड्डू। ये सुनते ही मनोरमा दौड़कर दरवाजे पर आई और फिर काली बहू को देखकर हैरान रह गई। आयो अम्मा, पाई लागो जी। अरे बेटा राहुल, ये सब क्या है? क्या तूने सचमुच इस लड़की से शादी कर ली है? हाँ माँ, मुझे मीनाक्षी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। माँ, आपको अपनी बहू पसंद नहीं आई? ये सुनकर मनोरमा हकबका गई और बोली, बहू तो तू लाखों में ढूंढ कर लाया है बेटा, चल अब बहू को अंदर ले आ, या दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा। मनोरमा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसके सामने बहू को कुछ भी बोलकर उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। लेकिन काली और साउथ इंडियन बहू को देखकर वो मन ही मन बहुत ज्यादा किलस रही होती है। फिर एक दिन, अरे मीनाक्षी बहू, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। तभी मीनाक्षी किचन से अपनी सास के लिए सांबर और डोसा बनाकर ले आती है। ये क्या है बहू? अयो अम्मा, ये सांबर डोसा और नारियल की चटनी है जी। ऐसा खाना तो मैंने इस जन्म में तो क्या पिछले 7 जन्मों में भी नहीं खाया, फिर अभी कैसे खा लूं? मुँह से खाना है जी। चुप कर और उठा अपने इस सांबर डोसा को, मुझे तेरा ये सांबर डोसा नहीं खाना, और जा यहाँ से। तभी महक वहाँ आ जाती है और बोलती है, माँ जी मैं आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से ले आ, एक तू ही तो है जो मेरा कितना ख्याल रखती है, वरना कुछ लोगों का बस चले तो पता नहीं मुझे क्या अनाप शनाप खिलाकर मेरी जान ही ले ले। मीनाक्षी का काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था, उसे अपना रंग और तौर तरीकों की वजह से घर में बहुत ताने सुनने पड़ते थे। लो कर लो बात, उल्टे तबे सी तो शक्ल है, उसे भी आईने में निहार रही है। अरे ओ काली बहू, बहुत हुआ, बेचारा शीशे की तो लाज रख लो। ये कहकर मनोरमा जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर मीनाक्षी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो अपनी सास को कुछ नहीं बोलती है। आयो परमात्मा, ये हमारे साथ का हो गया जी, एक ऐसा घर में भेज दिया तुम हमको। हमारे सास को तो देखो, उन्हें तो बस गोरी चमड़ी से ही प्यार है जी, उनको मेरा अंदर का कोमल हृदय तो दिखा ही नहीं देता जी। ये कहते हुए मीनाक्षी की आंखें भर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मनोरमा की भांजी की शादी में सबको जाना था। अरे माँ जी, आपको यहाँ मुँह लटका कर बैठी है, आप तैयार नहीं हुई? क्या बताऊँ बहू, मैं शादी में क्या मुँह लेकर जाऊँ? बड़ी बहू, वहाँ पर इस काली कलूटी मद्रासन बहू को देखकर सब ताने कसेंगे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर महक ने अपनी सास को समझाया, माँ जी हम यही तो चाहते हैं कि शादी उत्सव में सभी लोग उस काली मद्रासन की बेइज्जती करें और एक काली तंग आकर हमारे देवर जी को छोड़कर भाग जाए, फिर उसके बाद तो हम अपने देवर जी के लिए चांद से गोरी बहू तो ला ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और फिर उसके बाद सभी तैयार होकर शादी में जाते हैं। जैसा दोनों सास बहू ने प्लान बनाया था वैसा कुछ नहीं हुआ। शादी में मीनाक्षी के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी महक सबका ध्यान मीनाक्षी की तरफ करते हुए बोलती है, अरे भाभी लो मिलो मेरी छोटी देवरानी से, इसे लाखों में चुनकर लाए हैं मेरे देवर जी। हाय हाय, तेरे देवर को इस काली कलूटे में ऐसा क्या दिख गया जो इसे ब्याह कर ले आया? अरे हमारे गांव में तो इससे काली भैंस भी नहीं होती होगी। हाँ महक, आखिर तुम्हारे देवर ने ऐसी लड़की से क्यों शादी कर ली? मुझे तो ये बिल्कुल चौकर लग रही है।
तुम लोग कैसे दिन रात इसकी शक्ल देखकर रह लेते होंगे। ऐसा बोलकर सभी हंसने लगते हैं। जहाँ ले जाओ वहाँ ऐसे ही बेइज्जती कराती रहती है। अब इसका तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर घर आने के बाद मनोरमा महक और मीनाक्षी को अपने पास बुलाती है और कहती है, मीनाक्षी तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपने बेटे के प्यार की वजह से तुम्हें इस घर में झेल रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूँ। अच्छा कान खोलकर सुन, आज के बाद तू हमारे घर के बगल वाले कमरे में रहेगी, और खबरदार जो आज के बाद मुझे या किसी को भी अपनी ये काली सूरत दिखाई तो हमने तुम्हें खुद से अलग कर दिया है और अब तो वही रहेगी। महक बहू जरा इस कलमुही का सामान लेकर बाहर दूसरे कमरे में पहुँचा दो। मीनाक्षी रोते हुए घर के बाहर वाले कमरे में चली जाती है। अयो ये रोज रोज की बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं एक बार में ही अपनी जान ही खो दूं। परमात्मा ने हमको काली कलूटी बनाकर हम पर बड़ा ही जुल्म ढाया है जी। तभी मीनाक्षी को एक औरत की आवाज सुनाई देती है, आईना ले लो बेटी, ऐसा आईना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, आईना ले लो आईना। ये सुनकर मीनाक्षी गुस्से में बोली, अयो अम्मा हमारा सूरत तो देखो जी, मैं ऐसा काला कलूटा चेहरे को आईने में का देखो जी। ऐसे मायूस मत हो बेटी, बस एक बार मेरे आईने में अपना चेहरा देखकर तो देखो, हो सकता है इसमें देखने से तेरे मन की मायूस कली खिल उठे। उस महिला के बार बार कहने पर मीनाक्षी उस महिला के आईने में अपना चेहरा देखने के लिए तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस आईने में खुद का चेहरा देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। अयो अम्मा ये कैसा चमत्कार है जी, हमारा काला रंग तो आईने में देखते ही देखते निखरा निखरा और गोरा गोरा हो गया है जी, हमें ये आईना चाहिए जी। आईना चाहिए तो इसे ले जाओ बेटी, पर ऐसे ही हमेशा गोरी बने रहने के लिए तुम्हें रोज एक बार इस आईने में अपना चेहरा जरूर देखना होगा। ये सुनकर मीनाक्षी बोली, ठीक है जी अम्मा, और कुछ? और कुछ ये है बेटी कि अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने इस आईने में अपना चेहरा देख लिया तो तुम्हारा ये काला रंग उसके ऊपर चढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा क्या? क्या उसका रंग फिर वापस नहीं आ पाएगा जी? उसके लिए तुम्हें फिर से इस आईने में देखना होगा, और उसके बाद जब तुम इस आईने में देखोगी तो उसका रंग वापस आ जाएगा, पर तुम्हारा रंग हमेशा के लिए फिर से काला होकर रह जाएगा। मीनाक्षी पैसे देकर उस औरत से वो आईना खरीद लेती है। इधर मीनाक्षी का गोरा और सुंदर चेहरा देखकर महक और उसकी सास हैरान हो जाती है। अरे ये मद्रासन बहू तो एकदम परी सी सुंदर हो गई है, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे मीनाक्षी बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें अलग कर दिया था, मुझसे भूल हो गई। अगले हफ्ते ही राहुल शहर से घर आ रहा है और मैं चाहती हूँ उसके आने से पहले सब मिलजुल कर खुशी से एक साथ रहे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को इस बंटवारे के बारे में कुछ मत बताना और चल घर में। फिकर मत करिए माँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। माँ जी मैं आपके लिए खीर और पूड़ी बनाने जा रही हूँ। महक दीदी आपको क्या खाना है? अरे बहू खीर पूड़ी ये सब तुमने कब बनाना सीखा? माँ जी यूट्यूब है ना, इसे देखकर मैंने सारे इंडियन डिश बनाना सीख गई हूँ। मीनाक्षी में ये परिवर्तन होने के बाद मनोरमा दिन रात अपनी छोटी बहू मीनाक्षी की ही बड़ाई करने लगी, और वह इतनी ज्यादा खुश हुई कि पूरे मोहल्ले की औरतों को अपने घर दावत पर बुला ली। अरे परमिला गोरी तो मेरी बड़ी बहू भी है, पर छोटी बहू के मुकाबले कम ही गोरी है। छोटी बहू तो मेरी बिल्कुल परी है परी, उसमें सुंदरता के साथ साथ सारे संस्कार भी है। हाँ मनोरमा वाकई तेरी छोटी बहू बहुत ही सुंदर है, उसके सामने तो चांद भी फीका लगता है। क्यों बड़ी बहू मैं सही कह रही हूँ ना? महक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जरूर इस मीनाक्षी के हाथ कोई जादुई चीज लगी है, वरना ये कोयले जैसा दिखने वाला काला शरीर एकदम से मुझसे भी ज्यादा गोरी कभी नहीं हो सकती। इस राज से तो अब पर्दा उठाना ही होगा। ये सोचकर महक उस पर नजर रखने लगती है और एक दिन मीनाक्षी को उस जादुई आईने में देखते हुए देख लेती है। अच्छा तो ये है इसके गोरे रंग का राज, फिर तो मुझे भी इस आईने में एक बार देख ही लेना चाहिए। यही सोचकर महक मीनाक्षी के कमरे में जाकर उसका जादुई आईना चुरा लेती है और फिर उस आईने में खुद को निहारने लगती है। लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो जोर जोर से चीखने लगी।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो एकदम काली कलोटी दिखने लगी। अब क्या होगा? माँ जी, माँ जी, मुझे बचाओ माँ जी। महक की आवाज सुनकर मनोरमा और मीनाक्षी उसके पास आते हैं। अरे ये क्या कर लिया बहू, तुम इतनी ज्यादा काली कैसे हो गई? ये सब इस आईने में देखने से हुआ है माँ जी। दीदी ये आईना आपके पास? दीदी आपको इस आईने में नहीं देखना चाहिए था, ये तो बहुत ही गजब हो गया। उसके बाद मीनाक्षी उस जादुई आईने की सारी सच्चाई अपनी सास और महक को बताती है। सब सुनने के बाद महक कहती है, मीनाक्षी तुमने इस काले रंग और अपने मद्रासन होने पर बहुत ही अपमान सहा, और तो और मैंने भी लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा खूब मजाक उड़ाया है, और मुझे आज उसी की सजा मिली है। मुझे ऐसे ही काली रहने दो, यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा, इसलिए मैं अब तुम्हें दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरने दूंगी। मैं तुम्हें इस आईने में अब कभी देखने नहीं दूंगी। महक रो रही थी, तभी मीनाक्षी महक के हाथ से आईना लेकर उसमें अपना चेहरा देख लेती है। उसके आईने में देखते ही मीनाक्षी पहले जैसी काली हो जाती है और महक फिर से गोरी हो जाती है। तुमने ये क्यों किया मीनाक्षी? दीदी अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि लोगों की कदर उसके रंग से नहीं बल्कि उनके अच्छे गुणों और चरित्र से होता है। हाँ बहू, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है और अब तुम इसी काले रंग में पसंद हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।